लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में गोरखपुर में अगर मतदान की बात करें तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन जीतोड़ मेहनत कर रहा है। इस कड़कती गर्मी में भी लोग घरों से निकल कर वोट कर रहे हैं। इस समय हम गोरखपुर के खूनीपुर में इमामबाड़े में आप देख सकते हैं यहाँ लोग अभी से लाइनों में लगे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर आप वोट दें। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम आज़ाद है। आज़ाद जी किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? हम बेरोजगारी, महंगाई और देश तरक्की पे वोट कर रहे हैं। अच्छा, अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में बीएसपी के उम्मीदवार हैं और वर्तमान सांसद भी हैं और काजल निषाद, तो क्या लगता है किनका काम बेहतर रहेगा? जो अभी तो कोई सांसद कोई काम किया नहीं है सेवा महाराज जी के, और कोई सांसद कोई सामने आया नहीं है, है। और फिर आगे जो है ये सांसदी चुनाव है, ये आगे क्या होगा ये तो केंद्र जानेगी। ये महंगाई करेगी कि बेरोजगारी करेगी कि शौचालय बनाएगी? देखिए कहीं ना कहीं कहना है इनका महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। सर क्या नाम है आपका? हर्ष भाई। महंगाई, बेरोजगारी। अच्छा, इस बार क्या लगता है? देखिए और लगने के ऊपर तो बात की बात है। अरे भाई आप वोटर हैं, बताइए वोट कर रहा है। ये तो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं भाई? बेरोजगारी, महंगाई और देश विकास। और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। अगर बात करें इस बार किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी है, यही सब और मुद्दा है। और क्या मौका है? क्या लगता है जो वर्तमान में है उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, बहुत कुछ किया होगी जी वर्तमान में। हाँ किया तो है, बहुत कुछ होगी जी वर्तमान में। नहीं, यहाँ कई प्रत्याशी आ गए, ऐसे में क्या लगता है आपको? अब प्रत्याशी का कुछ नाम ही पता चल रहा कि कौन कौन है इसमें। जो कोई जो जो यही नाम चल रहा है कि ये कमल है, सपा है, ये सब चल रहा। अब कौन उठा है इसमें, कांग्रेस कौन है कुछ पता नहीं चल पाया, जब देखेंगे पता चलेगा। चलिए, और भी लोग जानते हैं। सर इस बार किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? सर बेरोजगारी, महंगाई, जो महंगाई को कवर अप करके रखे और बहुत आगे ना जाने दे, इतने भी रोक ले तो बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है वर्तमान सांसद जो हैं इस समय और जो काजल निषाद भी लड़ रही हैं और जावेद सिमनानी भी लड़ रहे, क्या लगता है इन लोग वर्तमान सांसद कार अच्छा है कि लोग जो लड़ रहे हैं? क्या आप लोग का क्या है? हम लोग के हिसाब से जिस तरह से शहर में काम हुआ है, वर्तमान सांसद के थ्रू हुआ हो चाहे योगी जी के थ्रू हुआ हो, लेकिन हुआ तो है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। देखिए एक मैडम है वोट डाल के निकली, मैडम आपने वोट किया किन मुद्दों पर किया, क्या करना है? जी हम लोग भाजपा देते हैं, भाजपा ही दिए हैं बस। देखिए इनका साफ साफ कहना। और मैडम आपने वोट दिया है किन मुद्दों पर वोट दिया, क्या करना है? तरक्की के लिए, विकास के लिए। कौन तरक्की कर रहा है, कौन विकास कर रहा है? दोनों लोग ठीक है, आप देखिए जिसकी बारी आ जाए। देखिए ये यहाँ महिलाएं पुरुषों का साफ साफ कहना, तरक्की और विकास के लिए। और भी हम लोग लोगों के पास पहुँचते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में और कैसा प्रत्याशी चुन रही है और कैसा देश का प्रधानमंत्री चुन रही है। और भी महिलाएं ऐसा, आप लोग वोट दे दिए? हाँ। किन किन मुद्दों पर वोट दिए? विकास के मुद्दे पर। क्या लगता है? बहुत बढ़िया। नहीं वर्तमान में है कि कुछ है? वर्तमान में भी है, भविष्य में भी था, भविष्य में भी होगा। आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया। अंगुली दिखाइए, किन मुद्दों पर वोट दिया? विकास के मुद्दों पर। अच्छा एक सबसे बड़ी बात है, लोगों के अंदर महंगाई की बात आ रही है, तो क्या लगता है कुछ महंगाई नहीं है? क्या महंगाई है? क्या जवाब लेबर पास की सुबह कहते हैं 705 रहे, क्या कौन सी महंगाई? कुछ नहीं महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको मोदी सरकार? और भी महिलाएं उनसे जानते हैं, मैडम इस बार आप किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? वही विकास, बस और क्या, विकास ही पे है। मतलब क्या लगता है कौन विकास कर रहा है? एक गठबंधन है और एक है। अब ये तो अभी नहीं कुछ बता पाए, अभी देखिए। अच्छा गर्मी काफी, ऐसे लग रहा है वोटरों में उत्साह की कमी नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। लग रहा गर्मी काफी है, बहुत ज्यादा काफी। देखिए गर्मी भी काफी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय 12 बजे से ऊपर हो रहा है, लेकिन वोटरों में उत्साह की कमी नहीं है। लोग यहाँ वोट डालने, भाग संख्या 115 है, यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं महिला पुरुष। लेकिन अगर बात करें सुबह 7 बजे से वोटिंग हुआ तो लगभग 11-12 बजे तक तो भीड़ काफी रही, लेकिन इस समय थोड़ी भीड़ कम हो रही है। लेकिन अगर उत्साह की बात करें तो लोगों में उत्साह कमी नहीं है। भाई साहब आपने वोट डाला, किन मुद्दों पर वोट डाला? साइकिल। अरे किन मुद्दों पर वोट डाला? साइकिल और हाथी नहीं पूछ रहे।
ठीक है, चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं। आपने वोट डाला? अच्छा, किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पे डालेंगे हम लोग, काफ़ी विकास हुआ है, इस मुद्दे पे हम लोग वोट डालेंगे, फिर से योगी सरकार को लाना है। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह भी है इस बार, मोदी योगी जो योगी जी के कार है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं और लोग उनके मुद्दे और उनके विकास को सुन रहे हैं। और भी लोग हैं, हम यहाँ भी जानते हैं, महिलाएं कुछ खड़ी हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका कि इस बार किन मुद्दों पे आप वोट कर रही हैं और क्या करें। मैडम, क्या नाम है आपका? संजू। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं आप? महिला हैं, क्या सोचती हैं? बेरोजगारी पे। बेरोजगारी। और क्या मुद्दा? महंगाई भी है। महंगाई भी है, पर चाहते हैं कि थोड़ा जॉब वांट निकले। तो क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार अच्छी है कि इसको? नहीं, सरकार तो अच्छी है, सरकार तो अच्छी है। आपने वोट दे दिया? अजीत सिंह, न्यूज़ 24, गोरखपुर।